कोतवाली क्षेत्र के कैलाश नगर कॉलोनी में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक मकान के निर्माण कार्य के दौरान एक मजदूर विद्युत केबल की करंट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। घटना की जानकारी लगते ही साथी मजदूरों एवं आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने झुलसे हुए मजदूर को इलाज के लिए जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे आगरा के लिए रेफर कर दिया। साथी मजदूर के अनुसार दमोहा सागर मध्य प्रदेश निवासी 18 वर्षीय सोमेश कॉलोनी में चल रहे एक मकान के निर्माण में कार्य में बेलदारी का काम कर रहा था। इसी दौरान उसका हाथ मकान के समीप से गुजर रही विद्युत लाइन की टच को होके जाने लगा, वह जिससे गंभीर रूप से झुलस गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है। सोनू, ये कैसे करंट लगा, क्या हुआ था? ये साइड पे काम करते वक्त इसे करंट लग गया है। क्या काम कर रहे थे? बेलदारी करता है, पेड़ खुल रहा था तो हाथ टच हो गया तार में। अच्छा, वहाँ से तार निकल रहे थे? जी जी। तो क्या पलस्तर का कार्य चल रहा था? क्या था? हाँ, पलस्तर का कार्य था। क्या नाम है इसका? सोमेश। पिताजी का नाम क्या है? बलराम। कहाँ का रहने वाले? दमोह जिले का। तो अब क्या स्थिति है, क्या हुआ? वो सीरियस कंडीशन में, इसलिए रेफर कर रहे हैं इसे आगरा। तो यहाँ अकेला रहता है क्या? है नहीं, इसका चाचा है और हम लोग हैं। कौन? हमारे पास ही रहता था। अभी आगरा रेफर कर रहे हैं इसको? जी।